नहीं अपनी हरकतों तो बाज आती। इन तो मैं दसती हाँ वड्डी होने का नजायज फायदा ही चखी जाती है। दीदी हाँ जीती कितना का टाइम हुन ऐसा भी चलूगा। बस करो हुन हाथ बांधियां थोड़े अगे मैं कितनी बदनामी होगी। हुन की तुसी छोड़ियो वी लोग मैनू भी ये सब ताने मारा करन। तैनू इदां लगदा मैं तेरी वड्डी भैण हाँ? मैं तैनू सच्ची दसा अपने पुत्तां वांग पालिया। बस करो तुसी पुत्तां वांग पालिया की खे खंडा रहे हो तुसी। मैनू शर्म आंदी है कि तुसी मेरे भैण हो। इस तो चंगा तो मेरी कोई भैण ही ना हुंदी। तैनू लैक्चर देने सौखे लगते हैं ना। काश भैन ही ना होंगी। जे भैन ना होंगी सड़क पर रुलती होंगी। जो मैं कर रही हूँ ना रब ना करे तेनू करना पैंदा। फिर तेनू पता लगता आ सूट पाए है घर च राशन पानी सारा कुछ इन्ना पैसा करके ही चल रहा है। ढिड सब दे लग्या है सबनों भुख लगती है। गल्लां नाल नहीं रज हुंदा रज कुछ खा के ही होगा। दीदी तुसी कोई होर काम भी लभ सकते हो। जरूरी तो नहीं कि पैसे इस काम नाल ही मिलते हैं। की करा दस मां प्यो ने मैनू कितना क पढ़ाया केड़ी नौकरी करा कित्थे जावां मैं अज करन नू तैयार आ दस। बस दीदी मैं नहीं थोड़े नाल लड़ सकदी। थोन ते ना समझा के कोई फायदा नहीं हैगा। तुसी रहो अपने इसे काम च खुश। तू मैनू नहीं समझा सकदी तो ठीक है तू खुद तो समझ मैनू तो समझ। ये दुनिया मैनू तो चंगा माड़ा बोलदी हुई है पर तू तो ना मैनू इदा गलत समझ। बस दीदी मैनू ना तुसी बुलाया करो। मैं हमेशा तेरे भले लिए कीता जो भी कीता है। जेड़े राह ते मैं तुरी हाँ मैं कदे नहीं चाहती भी तू उस राह ते तुरे फिर भी मैनू ही गलत समझ रही है। कोई नहीं आएगा टाइम समझेगी तू भी। बस गंडुआ सी यार तुरन लगते हैं बाई भी पहुँचने वाली है। बस कपड़े पैक कर ले। हाँ चल कर दिन फोन मैं। हाँ संगत तौलिया भुल गए जी भाई वो तौली की लौड़ है यार एम पी तो जाना उधर करना तो टाइम लगता सानू बई लगे ना लगे चीज तो होनी चाहिए को मैं पाता तौलिया। चल कोई नहीं। हाँ दीपू कर दें तेन फोन भाई। हाँ बई गल यार क्यों लेट कराई ना तू तू सवेर का फोन कराया यार भी तू कपड़े पा के रखी। ओ बई बस कर ले सी माल कितों लोड करना वैसे। लोड तो आप मानसा तो करना यार अनमोल रीपर आने का रीपर लेके जाने ने अपने। अच्छा तेन सवेरे दसा तो है जी मैं। चल बई भुल जाना तू भी आ गया। चल मैं आ जा चंगा तो हरप्रीत का फोन आई ना बारी बारी। चलते हैं बई बस फिर चल चंगा संघ दे यार चलते हैं अं। चंगा बई है नहीं पता हफ्ता लग जाए ध्यान रखी करता। कोई गल नहीं तुम भी ध्यान रखियो आपका। ठीक है चंगा चल बई कड गड्डी। की करती मेरी छोटी भैन थोड़ा देख नहीं रहा है का। थक जाएगी जा सो जा। मैं नहीं थकती हैगी मैं जो दिल च आंदा ना मैं करन दो बाकी सवेरे कर ली जा पै जा। मैं कहा ना मैं नहीं नींद आ रही हैगी। तू हमेशा मेरे गुस्से च क्यों रहनी है कदे कहना भी मन लिया कर। देखो दीदी मैं सब पता है कि तुसी मैं क्यों सोन लिए कह रहे हो। तुसी जो करना है ना कर लो मैं थोड़े ना कोई मतलब नहीं। तू क्यों नहीं समझती मैं जो भी कर रही हूँ तेरे भले लिए कर रही हूँ तेरी पढ़ाई लिए कर रही हूँ। बस करो अपना ही नाटक ना अपने कोल रखो मैनू नहीं लगता इस च मेरी कोई भलाई है। तू जो भी बोल रही है ना मैनू जहर वांग चुभ रहे है। चल मेरी लड्डो सो जा रोटी खा ली है ना तू। तुम्हें समझ नहीं लगती दीदी आप ही सो जूंगी मैं। चल जो अब अन्ने हाथ थोड़े अगे। समझेगी तो तू एक दिन जो मैं तेरे लिए कर रही है ना कोई ना कर पांदा। ना करो किसी ने कहा थोनू चली जाऊंगी हमेशा हमेशा लिए तेरी जिंदगी चो चली जाऊंगी पर जान तो पहला तेरी जिंदगी सवार के जाऊंगी। ओ की गल होगी क्यों घबराई जाना भाई यार कह जी गलियां चली फिरदा मैनू डर लगदा मैनू तो यार। ओ यार तेनू कितें माड़ी जगह लेके जांदा डरना ते घबराना फिर तेनू यही जगह ते लेके जा रहा ना कुड़ी बहुत सोहनी है कुड़ी चित्त खुश होजूगा। पर भाई मैं यार कदे आया नहीं करे नहीं तू जो तो मैं तेन लेके जा रहा डरने की लोड़ आ जा कि दूर आना आ जा घबरा ना बस इधर ही कर मैं पता ही आ जा आही कर। हाँ चल फिर आ जा करना भाई
ਆਹ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਜਵਾਕੜੀ ਜੀ ਆ ਬਾਈ। चल भाई खाला भाई खाला खाला आने वाला रहा। हाँ भाई गल सुन मेरी। हाँ ना किसी ने ते ना संगत ने ये गल नहीं पता लगनी चाहिए पर लेके कितों आए सारे पिंड बदनामी हुई तेरी भी मेरी भी सारा दी परवाह ना कर भाई। मैनू भी आई है भी चल ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਸ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਲ ਚੁੱਕ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਖਾ ਲੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ? ਜੀਤੀ। ਜੀਤੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਆ ਖਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਫੁਰਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੂੰ ਬਈ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵੱਸ ਜੂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਖਾ ਲਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਬਸ ਬਾਈ ਆ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਵਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਜੀਤੀ ਤੂੰ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਛੋਟਾ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਬਾਈ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਵਿਆਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣ? ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾਲੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਆ ਭੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100-100 ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ।
जो मैं नहीं परवाह करता तू क्यों करता सारा दिन तू ही हाथ फूकना चुल्हे ते फिर जिंदगी भी मैं कटनी है कोई गल नहीं जीती तू अंदर जा भाई मापी गल करना एना बैठो संगत सियाना बनते हैं चुपचाप ब्याह करा ला कुड़ी वधिया रहेगा नाले मेरे ते 100 जिम्मेवारियां ने मेरा तो ऐ नहीं पता अच्छ गेड़ा लाने वग जा 6 महीने ना बना यार घर भी तो सामना होंगे वो तो गल तेरी समझना भाई मैं पर कल जे कि कोई 19-21 हो गई कुछ लुट के लगी अपना फिर जिम्मेवार कौन संगत बाल ना सोचा कर साहू कुड़ी है वो नाले भरोसा मैंने वेदे ऐसा कुछ नहीं होंगे तू ऐ कर जाके रोटी रोटी पुछ ला जा जा छोटे भाई गर्म सॉरी सॉरी किस लिए मैं बार सोडे बारे हजे कुछ बोलिया असल दे विच जदों मैनूं पता लग्गिया वी सोडे नाल विआह दी गल मैनूं अचानक कुछ पता नहीं लग्गिया ते मैं गुस्से गुस्से विच बोलता कोई गल असल दे विच मैं इक सियाणी ते पढ़ी लिखी कुड़ी चाहुंदा सीगा जरूरी थोड़ा कि पढ़ी लिखी कुड़ी समझदार होंदी है उदा गल थोड़ी ठीक है वैसे थोड़ी जानकारी भी दसदा मैं भी प्लस टू कीती है अच्छा रोटी खाओगे तुसी वैसे मैनू भुख तां लगी आ कोई गल नहीं मैं ले एक मिनट तुसी मैनू दस दो मैं आप ही रोटी बना लूंगी नहीं नहीं तुसी बैठो मैं लेके आऊंगा आटा तो पेगा मैं लाई दिना रोटी सब्जी तो है नहीं यार मैं फिर पहले कोई दाल सब्जी ले आना हाँ हाँ राणे बस हूँ आ गड्डी खड़ी है यार हाँ ना इतनी बरनाले का गेड़ा दी बस इक्का अच्छा ठीक है कोई नहीं आ जाऊँगा मैं थने एक मिनट संगत किधर चलिया भाई रोटी खाने जो कहती सब्जी है नहीं सी मैं सब्जी लैन चले अच्छा चल आया ठीक है चल रहा बाद गल करता किमें जीती मैं ठीक हाँ हाँ मैं तो ठीक हाँ मेरी गल सुनो मैं गड्डी ते गेड़ा मारा माड़ा जा कभी भी गेड़ा गुड़ा आ जाता कोई ते रोटी तू तो अगर रोटी बना ला मैं आके खाना फिर चंगा ठीक है ते मेरी गल सुन जीती संगत मेरा छोटा भरा है जवाखा वांगू रखे मैं तू तो किसी गल का गुस्सा ना कराया कर बस जब मम्मी डैडी गए ने ना असल च मेरे बड़े होने के नाते जिम्मेवारी सी कि मैं ही सारा कुछ देखा उन्होंने कभी तंगी नहीं आने किसी चीज़ की सारी कबीलदारी मेरे सिर ती है सियाना बहुत है तेरा पूरा ख्याल रखूगा कोई नहीं मैं तो कदे कदी आना होंदा घर ते खुश रहो दो जने चंगा कोई नहीं तुसी फिकर ना करो वैसे तो तुसी बहुत चंगे हो बस जीती घर दे कबीलदारे ने सियाना बनाता ता ही मैं चक्कर च ब्याह नहीं कराया भी चल छोटा भाई हैगा आप ही सामलू सारा कुछ चल चंगा मैं गेड़ा मारिया वा मेरा उन्हें रोटी पानी तैयार रखी चंगा कोई गल नहीं जगतार संगत हाँ जी भाई ਹੋਰ ਬਈ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਗੰਮੀ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਈ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ
ਓਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋਡਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਓਏ ਲਿਆਂਦੇ ਸੋਡੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਕਾਈ ਮਰ ਜਾਓ ਤੂੰ ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਆਰਾ ਸਾਂ ਲੋਈ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਬਸ ਕਰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆਨੀ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਓਕੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਘਰੇ ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਬਾਲੇ ਸੀਗੇ ਓ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇੜਾ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕੰਮਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਰ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਸਾ ਗੇੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਫਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਹੁਣ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਓ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਂ ਬਾਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਜੀਤੀ ਜੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਬਸ ਤੂੰ ਐ ਲਾ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਏ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ BA ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਏ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਣਾ ਦੱਸੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੁੜਨਾ ਪੈਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਾ ਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਆਊ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਈ ਆਉਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ
गल थोड़ी अजीब जी है। किमें? फिर समझ नहीं आ रही मैं थोनू किमें दसा। हाँ बोल कमली हुई तो दस की होया। देखो संगत नू ता पता नहीं कि मेरी एक भैन भी है पर थोनू ओदे बारे चंगी तरह पता। मेरी भैन ना बहुत बीमार हो रही है। अच्छा ते पैसों की भी काफ़ी लोड़ ते सिर्फ तुसी ही कर सकते हो। मैं होर किसी नाल इहदे बारे गल भी नहीं कर सकती। जगतार भाई भी करे नहीं हैगा नहीं मैं ओनू कह देंदी। ठीक है तुसी करोगे ना मेरी मदद? देखा मदद तो मैं कर दूंगा हुण मैं गेड़ा ला के आएगा पर मेरी एक शर्त है। की? कि तू इस घर नू कोई वारस नहीं देंगी। पर क्यों? क्यों पुछण दा तेरे कोल हक नहीं हैगा। ठीक है पर मेरी भी एक शर्त आ। तुसी मेरी भैन नू मिलन गए ये गल सिर्फ अपने दोहां च ही रहूगी। तो मैं ये वादा करना कि इस गल बारे किसी नू पता नहीं लगेगा। तो हाँ तू मेरी शर्त ते पक्की रही। ठीक है कोई गल नहीं चल चल दा। हाँ जी नहीं वह तो बस पेपर देने ही चलिया। हाँ वो पेपर चली जाते ज़्यादातर बस बाहर ही रहते हैं वो घरे तो मैं कल हूँ बाई भी बस गड्डी ते चल जाते हैं गेड़ा गुड़ा जीती बच। हाँ जी कौन है फोन ते? वो तो गुरनाम बाई सी। गुरनाम बाई? गुरनाम बाई का फोन तेरे को किमें आया? नहीं नहीं जगतार भाई ओह मेरे मुंह से निकल गया सी गलती तो। अच्छा चल मेनू दे फोन मैं भी गल करनी सी। ओ ते कट गया फोन ता मैं ला लेना कोई गल नहीं। पासवर्ड खोलिए दे थुन तुसी लेट हो जोंगे पेपर ली बात कर लियो कोई। मैं कोई जरूरी गल करनी सी। तू ऐ कर मेरी रोटी पा मैं खानांगा। कोई होर नंबर है यार भाई दा नंबर थोड़ू है। मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जानी सी। छे छे दी रोटी खवा के पहले इन्हू घरों तोड़ती हूं। होवे ना होवे जीती मैंने झूठ बोली जी सी। मैं वो नंबर तो सेंड किए सी। मैं करदा गुरदीप नंबर सेंड कर देना पूरी डिटेल कढ़ा लूगा दसूगा कितों आ नंबर ते कौन आ। हैलो गुरदीप मैं तेन एक नंबर व्हाट्सएप किया गा भाई बन के वो डिटेल कढ़ा के दसी यार मैनू कितों आ नंबर वह तो कि नाम तो चली जाता जरूरी है भाई बन के यार मेरे तो कहदा खर्चा लेंगा तू मैं पता चौड़ कर दो। चल चंगा कढ़ा भाई बन के चंगा। सत श्रीकाल जी पछाणा मैनू? हाँ जी हाँ जी सत श्रीकाल जी बैठो तुसी बैठो थोनू किवें नहीं पहचान सकती तुसी तो हो जिदे करके मेरी भैन का घर वसिया है जिदे करके इस नरक तो बाहर निकली है। दसो तुसी किवें आना होया तुहाडा? ओ देखो थोड़ी भैन ने भेजा मैनू ओ कहिंदी तुसी बीमार हो मैं कहा चल पता ले आवां। हाँ जी पिछे मौसम बदलन करके ना हो गई सी मैं थोड़ी ढिली ठीक है वो? हाँ बिल्कुल ठीक है घर दे विच वधिया रहिंदी आ वो खुश आ तुसी सोचना करया करो उल्टा सोच करदी रहिंदी थोड़ी। नहीं नहीं मैं ठीक हाँ मैं जिवें भी हाँ वधिया। अच्छा तो उन्होंने ना कुछ पैसे कहे सीगे भी मैं देखे आवां तुहानूं ते आ फड़ो पैसे रख लो कई बार कोई होर लोड़ पै जांदी हुंदी आ।
ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਜਗਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੀ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਬਾਦਾ ਦਾ ਫੋਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਸੰਗ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਬਾਈ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਮਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖ ਬਾਈ, ਜਗਤਾਰ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੱਡ ਥੋੜੂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਈ ਨਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਰੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀਨਮ ਵੀਨਮ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 3 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰਨਾ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
कुछ ना कुछ करती हूँ मैं। लेकिन जिंदा इधर ही लेके जा रही है। लोकेशन पर एडी दूर ये लोकेशन ओदा की वा वास्ता देख अंदर जाके भाई है कोई करे वीरे। हां जी तुसी कौन? मैं संगत ही। संगत कौन? मैं तो किसी संगत नु नहीं जानदी। पर मैं सुनु चंगी तरह जानदी। किस काम लिए आए हो तुसी? प्रीति है तू? हाँ जी मेरा नाम प्रीति है। हाँ नंबर सोडा ना? ये नंबर भी मेरा है, ये कार भी मेरा है। तुसी काम दसो किस काम लिए आए हो? तेरी भैन जीती? हाँ। तुसी उन्हों किवें जानदे हो? वो तो ठीक ता है ना? जीती कित्थे है? तुसी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं सोची बहुत डर लग रहा है। झूठ बोलिया मेरे भाई ने भी तेरी भैन ने भी झूठ बोलिया मैंने गप्पी हो सारे सारे धोखे पाए तुसी की कह रहे हो मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे भाई ने तो जानदी है ना कौन है तुहाडा भाई मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। जगतार जानदी है ना चंगी तरह तुसी मैनू पता ही सी मैं तू चंगी तरह जानदी होएगी। पर तू नहीं ना चंगी हैगी सारा कुछ पता कीता मैं तेरे बारे तेरी भैन झूठी तू झूठी उत्तों उत्तों मेरे मेरे भाई नु भी तू झूठा बनाता क्यों कीता क्यों कीता? तेरी जानकारी वास्ते दसदा मेरा भरा हुण इस दुनिया च नहीं हैगा। की बस मैनू ऐ दस दे तुसी झूठ क्यों बोले झूठ क्यों बोले मैनू कल्ला कल्ले इस गल का जवाब दे दे क्यों बोले तुसी झूठ? तुसी एक बार सोच के ता देखो जे उस देवता रूप इंसान ने तुहानू कुछ झूठ बोलिया या कोई गल लुकोई है इच तुहाडा ही कुछ भला। प्रीति मैनू कोई सफाई नहीं चाहिदी मैनू कल्ला दस दे भी तू झूठ क्यों बोलिया। तुसी मेरी गल प्लीज समझण दी कोशिश करो मैं तुहानू किद्दां दसां अपने भरा ते भरोसा करो। तैनू उसे भरा दा वास्ता जे तू मैनू ना दसे कि तू ते मेरे भरा ने तेरी भैन ने सारे ने रल के मेरे नाल झूठ क्यों बोलिया? ठीक है अगर तुसी सच सुनना ही चाहते हो ना तो हौसला रख लो क्योंकि सच तुहाडे तों सुनिया नहीं जाऊगा पर फिर भी मैं तुहानू दसदी हाँ सच्चाई ये है तुहाडा भरा संगत तू इत्थे क्यों बई तू दस बई तू इत्थे क्यों? ओ यार मैं तो थोड़े घरे गया सीगा ओ जीती कहंदी तू कई दिनों टेंशन ली फिरदा किसे गल दी ओ मैं राजा पुछदा पुछदा भी किधर गया तू तेरे पिछे पिछे आ गया तां देखा तू इत्थे आ इहनूं जानदे तू इहनूं मैं नहीं जानदा बई ए तुसी की कह रहे हो? पहला मेरे भाई ने झूठ बोले फिर मेरी घर वाली ने इहने तू बई क्यों मैनूं सारे जणे झूठ च रखिए ने यार मैनू सच दस दो ना ते ओदी भैन ओ मेरे कोल किवें आई आ? सच जानने दा हक तुहानू भी है तुहानू मैं दसदी आ सारी सच्चाई। इत्थे नहीं बैठना अंदर आओ। नहीं जी मैं इत्थे ठीक हाँ जिहड़ा कुछ तुसीं सोच रहे हो ना मैं ओह सब करन नहीं आया। अच्छा बस दो चार गल्लां करनियां थोड़े नाल बैजो। भई काका जी जे गल ही करनी हुंदी तां इत्थे तक ना आंदे तुसी। देखो जी इत्थे आउण तों पहलां मैं सोचिया सी जिस काम वास्ते जा रहा उह करके वापस जाऊंगा पर तुहानूं ते थोड़े घर दी हालत देख के मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई है।
असल च मैं थोनू पूछना चाहना भी यार इंसान हथी गिरत भी कर सकता है की लोड़ होंगी यह काम च जाने की थोन एक गल दसा तुम लैक्चर बहुत सोहना दिते हो तुम भी ट्रक्का का काम छड़ के ना किसी स्कूल कॉलेज से लग जाओ वधिया सवाल जवाब कर दे हो। देखो साहब जी दुनिया तो इन्नी मैं भी समझ आ गई है जिड़ी भी लोग उरे आते हैं ना अपने मतलब न आते हैं अपना काम करते हैं तो तुरदे बनते हैं मैं तो थोड़ी समझ नहीं आती थानू जाने की कोई गल ही नहीं है। देखो मैडम दुनिया की सोचती है बारी मैं परवाह नहीं पर मैं यह दुनिया वर्गा नहीं है नाले जे मैं यहोजा हों तुहाडे कोल इत्थे बैठा ना हों जो काम हों करके चला जाता आपका मैनू भी कोई शौक नहीं गल्लां करन दा नाले थोनू की लगता मैं ट्रक चलाना कोई माड़ा काम करदा थोनू मेरे घर के हालात नहीं पता असीं बस दो भाई ही हाँ माँ प्यो है नहीं सिर ते जे मैं यहोजा हों तो कोई दो नंबर धंधा कर लैंदा शुरू पर मैं सिर्फ आपके परिवार करके ना मेहनत कर रहा कमा रहा जिहड़ी मेहनत तुसीं भी कर सकदे हो। मैं भी अपनी भैन लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ थानू पता मैं किदा मेरा इसी करके चुने ताकि मेरी भैन पढ़ लिख जाए वधिया नौकरी लग जाए उदी जिंदगी सवर जाए पर मेरी सच्चाई जानने के बाद कौन फड़ूगा वह हाथ थानू गल पता जब तुम इतने आए थे ना सब तो पहले मेरी निगाह तेरी भैन से पई सी तो मैं पूछा भी सी विआह कुड़ी है तुसी चाहते हो कल नूं उहदी वी जिंदगी नरक बन जाए कदे भी नहीं कदे भी नहीं मैं सिर्फ उहदी जिंदगी सवारन लई खुद नूं नरक च धकेलिया है नहीं उहनूं तां मैं जिन्ना हो सके इस दुनिया की मैली अख तो बचा के रखूंगी पर किन्ना टाइम बचा के रखोगे यही सोच तो मैनूं खाई जाती है मेरी भैन जवान हो जाती है तो दुनिया मेरे नाल वध तुसी जानदे हो तुसी मेरी गल मन्नो ते चंगा जिहा मुंडा देख के तां विआह कर दो थानू की लगता है मैं लभ नहीं रही मैं तां अज चंगा मुंडा मिले मैं कल नूं विआह दा पर मेरी सच्चाई जानन तो बाद की बनगा उहदा इह सोच सोच के मैं खुद मेरी सलाह मन्नोगे तुसीं खुद भी इह काम छड्ड दो जे छड्ड सकदे हो फिर ही बच सकदी है बेचारी ओह काश किदां हो सकदा मैं खुद चाहती हाँ मैं कम छड़दा पर कम छड़न तो बाद की करांगी मैं पैसे जोड़ रही हाँ ताकि मैं अपनी भैन कितने दूर भेज दा जिथे मेरा परछावा भी उहदे ते ना पवे पर इदा हुंदा नहीं सखियां भैणां सी बाकी तुसी कहिंदे ना दुनिया चंगे मुंडे तुसी भी तो चंगे इंसान हो तुसी पढ़ोगे मेरा हाथ साहब जी ये दुनिया ज्ञान ही वंडदी है जो करन ते आवे ना ऐ हवा निकल जाती है। चलो मेरी गल सुनो मैडम थोनू तो निसरा तो मैं मुड़ सकता हूँ पर हाँ मैं उस कुड़ी बारे सोच सकता उसने इस नरक तो बचा सकता मैं जो मेरी गल मनो तो उस कुड़ी ने मेरे नाल तुरो मैं वह विआह अपने भरा नाल करूँगा थोनू नहीं पता मेरा भरा बहुत सियाना मेरी गल नहीं टालूगा असी छोटे छोटे सी जो तो मेरे बेबे ते बापू सानू छड्ड के चले गए सी बस उस तो बाद मैं दिहाड़ियाँ कदे किते कम दे कदे किते फिर आख गया ड्राइवरी वाले काम च पिया सिर्फ ता कि मेरा छोटा भरा पढ़ सके क्योंकि पढ़न का मैनू भी बहुत शौक सी जो पूरा ही नहीं हो सकया तो मैं वह शौक पूरा कर रहा मजबूरियाँ बंदे तो की कुछ करा देंदिया ने ता ही तुसी समझ सकते हो ऐ तो मेरी भैन भी बहुत सियानी है सारे काम कर लेंदी है तो उन्हें कदे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी बाकी मैं पूरी उम्मीद है तुसी भी उहदा ध्यान रखोगे तुसी नेक इंसान हो तुसी उन्हें मैं एक गल दसो कि मैं हुण लैण कदों आवां तुसी बस सुबह आ जाओ सूरज चढ़न तो पहला नहीं तो दुनिया एक होर तौमत ला दूगी कि वड्डी भैन ने छोटी भैन बेचती कोई गल नहीं मैं इस गल का पूरा ख्याल रखूंगा चलो हुण असीं चलदे हां तुहाडा एहसान सारी जिंदगी नहीं मर सकांगी कोई गल नहीं कोई एहसान नहीं फर्ज है मेरा चलो ठीक है सवेरे मिलते हैं।
हाँ जी आसी सारी मेरी सच्चाई जिन्हों से तेरे को लुको रहे सी पर तेनु सच दसा मैं गलत हो सकती हाँ मैं तो गलत हाँ ही पर मेरी भैन कित भी गलत नहीं है सिर्फ उदा कर बस जे उदे करके इस सारा खेड रचिया गया सी मैं माफ कर दो प्रीति जी ना तो तुसी गलत हो ना थोड़ी भैन बस क्योंकि अज मेरा भरा जाना होंगे तो हूँ सच्ची मेरे फैसले से माण महसूस करता एक उन्हें फैसला लिया जी एक मैं फैसला लेना तुसी नरक वाली जिंदगी छड़ के मेरे न मेरे घर चलोगे जी नहीं तुसी मेरी भैन नूं खुश रखो मैंने उस तो ऊपर कुछ नहीं चाहिए मैं जिथे मैं ठीक हाँ नहीं नरक है जिंदगी नहीं है तुझे इतने ठीक ओ संगत क्यों मौला होया पिंड दे विच की कहेगा वी तू कित्थों लैके आया कुड़ी नूं कौन है कुड़ी ओ यार लोग गल्लां बनाउणगे लोग तां भाई हुण भी गल्लां बनाउंदे ने लोकां दे मूंह तां नहीं फड़ सकदे आपां मेरा भाई कहिंदा हुंदा सी लोकां दी परवाह ना करी बहुत अगे जाएगा लोकां दा भला करी तेरा भला आपे होऊगा देख भाई जिवें तू ते तेरा भरा उस कुड़ी दा सहारा बणे ना उवें इहदा सहारा मैं बणूंगा मैं ब्याह कराऊंगी इहदे नाल सच्ची भाई हाँ मैं पर इन्ना ना देखो जी जिवें जगतार ते तुसीं भरोसा कीता ना जिवें तुहाडी भैण हुण खुश आ उत्थे उहदी जिंदगी वधिया बण गई मैं भी तुहानूं उम्मीद रखूंगा जी ते जिन्ना तुसीं नरक भोगना सी भोग लिया हुण तुहाडी जिंदगी दे विच खुशियां खुशियां ने एक बारी यकीन करके देखो हाथ तो सगों मैनू जोड़ने चाहिए है तुसीं जो मैनू दे रहे हो ना थोड़ा देना मैं जिंदगी च कदे नहीं मोड़ सकदी जिवें तुसीं कहोगे जिथे तुसीं रखोगे मैं रहण नूं तैयार हाँ चलो फिर तुसीं साडे नाल खाना भाई ब्याह वह भी ये ना ये तो एक सतराज का मोहरा बस वो मोहरा की है कि तू सिर्फ मैं अपना बच्चा पैदा करवाना तो जी सारी जमीन जगतार ते संगत दी है वह मैं हड़पनी हूँ तो हम बाजी देखो किमें खेडी जाती है।